नमस्कार दर्शकों, BCN न्यूज की वुमेन्स डे स्पेशल इस खास श्रृंखला में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके से हम आपके सामने इस वुमेन्स डे उन तमाम महिलाओं की कहानियां बता रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया है और उनके उन्हीं कार्यों से एक समाज में उनका नया नाम हुआ है और उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है कल्याणी बुटी जी, जिनकी बुटी पब्लिक स्कूल की एक संचालिका के बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और जिस तरीके से दर्शकों हम हमेशा ये स्कूल का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें मेमोराइज हो जाती है और बहुत बार ऐसा कहा जाता है, ऐसी खबरें भी आती है कि स्कूल पैसे लेती है ज़्यादा वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। पर कल्याणी बुटी जी, इनकी जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन्हें बेहद ही कम दामों में सिखाया जाता है और समाज के जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके बच्चों के लिए खास तौर पर हम कह सकते हैं ये स्कूल बनाई गई है ताकि उन्हें हेल्प की जाए। कल्याणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पेशल श्रृंखला में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपकी पूरी जर्नी के बारे में पता चले, क्योंकि हर किसी की कहीं ना कहीं एक जर्नी होती है शून्य से लेकर विश्व निर्माण करना जो हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है, शून्य से लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें तैयार की है, मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ। नमस्ते। इन्होंने मुझे काफ़ी मतलब बुलाया, मैं न्यूज़ चैनल की बहुत आभारी हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि भई हमारी जर्नी बताएं। एक्चुअली मेरे पिताजी की स्कूल थी जोशी हाई स्कूल करके, जो कम से कम 60-70 साल पहले की चीज बात है। ये वो एक दिमाग में था कि कुछ ना कुछ अपन भी समाज के लिए कुछ तो भी करें, समाज जो मध्यम वर्गीय समाज है उसके लिए करें। अमीर लोगों के लिए सब जन बहुत कुछ कर लेते हैं पर मध्यम वर्गीय समाज, तो ये दिमाग में था। धीरे 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 ऐसी बात आई सामने कि जो मेरे ही हमारी जो जगह है वो हमारी खुद की जगह है और ये जगह का कुछ तो भी सब जन बोलते थे कि इसको बेच दो, क्या करना है, यहाँ कौन आने वाला रहने के लिए वगैरह वगैरह। तो पर हम वो जगह 40-50 साल रिटेन करके रखे और आज ऐसी यह है कि वो जगह, वहाँ के आजूबाजू के लोग सब जन बहुत खुश हैं। जगह अच्छी होने के कारण, मेन रोड पे होने के कारण बच्चों का आना जाना स्कूल में जो अपन लोग करते हैं, मैंने जो माँ बाप बहुत परेशान रहते कि भाई अपना बच्चा जल्दी आना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आजूबाजू के ही लोग वहाँ की पब्लिक है जो बच्चों को हमारे स्कूल में भेजती है। तो स्कूल धीरे धीरे करते करते अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे स्कूल में भी 800-900 बच्चे हैं, काफ़ी बड़ा स्टाफ है और खेलने का ऐसा वैसा सब कुछ है। तो ये सब करते हुए ना एक बात मेरे ध्यान में आई कि जो हमेशा लोग बोलते हैं कि महिलाएं को बहुत तकलीफ़ होती है, महिलाएं तैसा, तो मैं तो महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि भैया देखो, हर जन को, हर व्यक्ति को तकलीफ़ तो होती है, फिर वो अमीर हो तो अमीर वाली तकलीफ, गरीब हो तो गरीब वाली तकलीफ, पर महिलाओं ने इतना सशक्त बनना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या हम लोग जो माहौल में रहते हैं वो माहौल को लेके पढ़ना और साथ साथ में ना पढ़ते वक्त हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों भी शक्ति का बराबर यदि हम लोग चयन करते हैं तो हम लोग, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कभी पीछे रहेगी। पर हाँ, मुझे लड़कियों को एक बात तो पक्की बताना है कि कितना भी हम लोग बाहर काम कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, पर घर के तरफ तो ध्यान देना ही है अपने को, मतलब दोनों चीजें मैनेज करनी, कुछ भी हो दोनों चीजें मैनेज करनी। और कहीं ना कहीं ये पावर भी है लड़कियों में कि वो दोनों चीजें आसानी से मैनेज कर लेती, मतलब वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोई कर सकता है टाइम का तो वो औरतें होती है। कल्याणी जी, आपसे एक और सवाल था कि मतलब वैसे तो बहुत सारी फील्ड थी जिसमें आप हाथ आजमा सकती थी, फिर बाद में आपने टीचिंग ही क्यों चुना और मतलब ये स्कूल शुरू करने की ही क्यों चुना, क्योंकि जितना आपने बताया था कि एजुकेशन आपने इतना सोचा नहीं था, पर उसके बाद आपने एक स्कूल शुरू करने की सोची। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों आपने ये स्कूल शुरू करने का ही सोचा। एक्चुअली मुझे दो लड़कियाँ और एक लड़का है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
जो प्रॉपर्टी हम लोग आप मैंने बूटी जो है काफ़ी रिच है, अभी भी रिच है अच्छे। तो हमारे यहाँ कैसा था कि हमारे घर हम लोग किराए से दे देते थे और उसका सिर्फ किराया खाते थे। मैंने ये आमतौर लैंडलॉर्ड हम जो रहते हैं वैसे ही हैं हम लोग। पर मैं ये सोच रही थी कि मेरी लड़कियाँ या मेरा लड़का, मेरा बच्चा ये काम ना करे। सिर्फ घर में बैठ के आराम की जिंदगी नहीं, भाई कुछ तो भी करो और समाज के लिए करो। अच्छा, तो समाज के लिए करो तो सबसे पहले तो मुझे ही समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए था, तब जाके मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे आएंगे। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ कि वो जगह पे मेरे स्कूल खोलने के लिए मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि तुमको यदि तुम चाहो तो ये स्कूल खोल सकते हो। तो उन लोगों का थोड़ा सपोर्ट था, मैंने फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ मॉरल जो था उन लोगों का था। तो स्कूल खोली, स्कूल खोलने के बाद काफ़ी अच्छे, बहुत ही दिक्कतें आई, ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आई। एक नॉर्मली जैसे अपना गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ दिक्कतें आती हैं नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो करते 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 हम लोग आज बहुत अच्छे कायम पे आके रुके हैं। और टेंथ का हर साल में हमारे बच्चे मेरिट में आना, मैंने आना। अच्छा, मतलब उस तरीके की शिक्षा आप बच्चों को देती है कि कुछ भी हो मेरिट में आए। कल्याणी जी, आपसे ये भी जानना चाहती थी, जिस तरीके से आपने दिक्कतों की बात कही, आपकी इस जर्नी में भी बहुत सारी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही होंगी, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। दिक्कतें देखो, एक बात बताऊँ कि मैंने आपको कहा ना, यदि हम लोग मानसिक और शारीरिक यदि सबल रहते हैं तो ये दिक्कतें अपने आप ही हम लोग सहन कर लेते हैं। तो चलते, ये तो संसार है ना भाई। मैंने आपको पहले इसमें कहा कि भाई अमीर लोगों के दुख अमीर लोगों के हैं, गरीब लोगों के दुख गरीब लोगों के, बस सबको तकलीफ है। सबको तकलीफ में रोने वाला काम नहीं करने का मुझे। कुछ प्रॉब्लम है, सबसे मिलो, ये करो वो करो, पर रो के कुछ नहीं, हंस के अच्छा रह के, और जितना अपने से होता है उतना सब अच्छा करके ही आगे बढ़ना है। मतलब आप उन तमाम लोगों को क्या कहेगी, क्या संदेश देगी जो मतलब मुसीबतों से कई बार वो डर जाते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि आगे हम इस सिचुएशन को कैसे पार कर ले, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी, देखो दिक्कतें सबको आती हैं, पर यदि ये दिक्कत आती है तो अपने दिल का बोझ किसी को अच्छे लोगों को बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। समझो किसी का मानसिक हो तो उन्होंने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि कुछ अपना फाइनेंशियल हो तो अच्छे लोगों के साथ मिलकर अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताना चाहिए, ना कि उसको डर के हम लोग डर के बैठ जाए कि नहीं अब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते बाबा, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने को आगे ही बढ़ना है। और पीछे मुड़ना ही नहीं है अपने को, आगे ही बढ़ना है। कल्याणी जी, आपका एक भगिनी करके भी एक नहीं, भगिनी मंडल, भगिनी मंडल का एक तो भी एक लेडीज क्लब है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। ये जो भगिनी मंडल जो है ये नागपुर का सबसे पुराना क्लब मत नहीं है, वो मराठी शब्द है मंडल, मंडल का मतलब क्लब ही होता है। तो ये हमारा 102 साल पुराना मंडल है। मैक्सिमम धर्मपेट, धनतोली, शंकर नगर, यहाँ की जो महिलाएं थे, हमारी मेन जो थी वो अनुसया काळे, जो हमारे अपनी सबसे पहले एमपी थी नागपुर की, उन्होंने बनाया हुआ क्लब है। अच्छा। और उस समय बहुत ही नाम था इसका, चर्चित क्लब है, और सब लोगों को लगता था कि नहीं हमने भगिनी मंडल के मेंबर तो बनना ही चाहिए, इतना उसका ये था। अच्छा। और अभी भी उतना ही अच्छा है। ओके। तो उसमें क्या था कि वहाँ कम से कम 40-45 साल से मैं हूँ उसमें जुड़ी हुई, पर ये 20 साल में एक्चुअली हम लोग बोलेंगे विश्वस्त मंडल में मैं हूँ, वहाँ का जो विश्वस्त मंडल है उसमें हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ अध्यक्ष बनी, वहाँ सेक्रेटरी बनी, वहाँ काफ़ी मैंने जो जो अच्छे ही रहते हैं उसमें बनी, आज भी मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं। अच्छा। तो जैसे हमारा मंडल कहीं जाके डोनेशन नहीं लेता। अच्छा। और हम लोग डोनेशन लेते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसमें हमारे पास पैसा रहता है, वहाँ आजू बाजू से हम लोग जो अर्निंग है वहाँ मंडल की, तो हम लोग महिलाओं को काफ़ी ये देते हैं, काम देते हैं। फिर हमारे यहाँ सिलाई का भी काम होता है। okay. और आजू बाजू में इतनी बड़ी जगह होने की वजह हम लोगों ने सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को किराए से दिया हुआ है। okay. उन लोगों का भी कुछ हो तो
हम लोग उनको हेल्प करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी चीज़ें की है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, इन सारे से आपका इंस्पिरेशन कौन रहा, मतलब किससे आपको ऐसा लगा कि इन्हें सुन के, इन्हें देख के आपने ये सारी चीज़ें, या फिर किसी के बारे में आपने जाना होगा उसके बाद सोचा होगा कि हाँ मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, कुछ नया अलग, तो कौन आपका इंस्पिरेशन रहा इस पूरी जर्नी में? देखो, इंस्पिरेशन तो मैं बोलूँगी कि मेरे पापा ही थे। ओके। क्योंकि पापा बहुत जल्दी जाने के बाद उनके बारे में जब लोग बताते थे, ये थे वो थे, मैंने अच्छा लगता था कि पापा का, पिताजी का इतना सब कुछ अच्छा था, ऐसा लगता था कि हम भी कुछ तो भी उन तक पहुँचने का कुछ तो भी प्रयास करें। वो काफ़ी पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, उनकी पहली स्कूल लाहौर में थी। ओके। और क्या था, वो फिर अपना अपना ये क्या बोलते सब अपना स्वतंत्रता, फिर वो उसके बाद गांधीवत, फिर ये वो करते करते थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। okay. पर फिर भी उनकी स्कूल चल रही थी अच्छे से। अच्छा। और फिर उस पर इतना सब होने के बाद भी पिताजी बहुत जल्दी चले गए थे मेरे। ओके। गुजर गए थे काफ़ी जल्दी, तो उनका एक दिल में था कि कुछ तो अच्छा करना चाहिए। पर ये सिर्फ उस समय तो मेरे को लगता था कि ये सोचना वो वाली उम्र में तो कुछ मतलब ही नहीं था। 7वीं 8वीं की लड़की ये सोचेगी कि मैं भी कुछ तो भी अच्छा हूँ, तो पहले पढ़ो, तो पढ़ना तो जरूरी था। पर हाँ, मेरे सब भाई लोग मेरे साथ थे। अच्छा। इवन आज ये स्कूल जो बनी है उसमें भी मेरे भाई लोगों का ही पूरा योगदान है। मेरे भाई, मेरे भाई बाजू में रहते, स्कूल के बाजू में मेरे भाई साहब रहते थे, और मेरा एक भाई मेरे साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में थे। ओके। तो मैंने कहा था एक थोड़ा सा अपने लोग वहाँ थे, फिर धीरे धीरे करके वो भी, अब उनका भी उम्र हो गया तो वो भी निकल गए, और मेरे जो दूसरे भाई साहब वो भी नहीं है अब। तो फाइनली मुझे जो कुछ सपोर्ट मिला, भाई, अब सिर्फ भाई ये वर्ड नहीं, पुरुष लोगों का मुझे सब सपोर्ट मिला। अच्छा। मैं ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो मेरे को किसी का सपोर्ट, मेरे को सब लोगों का सपोर्ट मिला। अच्छा। वहाँ के ड्राइवर लोग भी कभी भी पहुंचा, मैडम कुछ काम होगा तो बताइए, ऐसा मत सोचिए कि, मतलब इतना सपोर्टिव। ओके। मतलब बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। कविता जी, जिस तरीके से आपने आपके भाइयों के बारे में बात की, कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया कि बेटियों ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, और आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया, मैं जानना चाहती हूँ उस बारे में। मेरी जो बेटियाँ हैं वो भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, और बड़ी बेटी जो राधिका है उसका खुद का एक छोटा सा पॉटरी का स्कूल और पॉटरी का बिजनेस है। okay. वो यही बनाती है, बच्चों को पढ़ाती है वहाँ, उसके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। okay. सिविल लाइन्स में, मैंने जहाँ मैं रहती हूँ वहीं है वो। और मेरी दूसरी जो बेटी है प्रीति, वो अभी सब स्कूल संभाल रही है। okay. वो बहुत अच्छे से स्कूल संभाल रही है और अच्छा चल रहा है, मैंने वो अच्छी चल रही है। हाँ, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो क्या है, और जो मेरा बेटा है वो है लॉ ग्रेजुएट, तो उसने क्या किया हुआ है कि लाइजनिंग है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कोर्ट कचहरी का है, तो सब वो संभालता है। ओके। मतलब तीनों कुछ ना कुछ संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं। अच्छा। कल्याणी जी, आपसे ये भी जानना चाहती थी कि कहीं ना कहीं ये जो भगिनी मंडल है, इसमें आपने बताया कि तमाम महिलाएं आती है, उसमें आप उन महिलाओं की दिक्कतों को समझती है, उनका निपटारा करती है, ये चीज़ें होती है। आज के इस युग में बहुत बार वुमेंस डे के दिन लोग महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात करते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि महिलाओं को आखिर चाहिए क्या। आप इस भगिनी मंडल की डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं रह चुकी है, प्रेसिडेंट रह चुकी है, और बहुत सारी चीजें आप जानती है, महिलाओं को बहुत पास से देखा है आपने, उनकी समस्याओं को देखा है। आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि व्हाट डस एक्चुअली अ वुमन वांट, एक महिला को क्या चाहिए होता है, बेसिक उसकी नीड क्या होती है। एक्चुअली महिलाएं चाहती है एक सिक्योर लाइफ। ओके। मैंने कितने भी पढ़ी लिखी रहे या कितना भी बड़ा पोस्ट पर रहे, तो फिर भी उनको एक सुरक्षित चाहिए, वातावरण चाहिए कहीं ना कहीं। तो उसके लिए मैं तो बोलूंगी कि पहले हमने ही हाथ बढ़ाना है। अच्छा। ने महिलाओं ने हाथ बढ़ाना है, क्योंकि यदि वो अच्छी रही तो अपने आप सब आजू बाजू का वातावरण अच्छा हो जाएगा। एक और हम लोग ये ना, मैंने ये नहीं कि मैं तो जज हूँ तो मैं घर में काम नहीं करूंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अपने को काम घर में करना ही है, या फिर मैं बहुत बड़े पोस्ट में हूँ इसलिए मेरा ध्यान नहीं, ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं ने घर में ध्यान देना है, बच्चों की तरफ ध्यान देना है। okay. पर हाँ, उनको दोनों, ये जो गाड़ी है
उनको ही संभालनी है। अच्छा हाँ, मतलब वो गाड़ी दो पहियों वाली जो दोनों को ही संभालनी है, दोनों को, पर उसमें महिलाओं का ज्यादा रोल रहेगा पुरुषों से। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल था कल्याणी जी आपसे कि तमाम जितनी भी महिलाएं या फिर जितनी भी दर्शक आज ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को, उन सभी तमाम महिलाओं को आप BCN के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? BCN के माध्यम से तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि हम लोग अपने आप को कहीं कम ना समझें सबसे पहले, पर ये कम ना समझने के पीछे हमारे दिल में ये उन्मत्तता नहीं आनी चाहिए कि देखो मैं तो 1 लाख रुपया कमा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड को तो 85,000। ऐसा नहीं, तुम दोनों मिलके करो, मिलके ही जियो। हाँ। और सबसे पहली बात है सबका आदर करो। ओके, सबका मैंने टेक गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, यही चीज है। ये बहुत जरूरी है, आदर करना बहुत जरूरी है, आदर करना कहीं ना कहीं जरूरी है। मतलब जिस तरीके से कल्याणी जी ने बताया कि ये जो गाड़ी होती है दो पहियों वाले, इसमें महिला पुरुष दोनों को भी चीज़ें एक साथ संभालनी होती है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इस तरीके से ये गाड़ी चलती है। और अगर उस गाड़ी को आपको प्रॉपर चलाना हो तो यही सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं पालन करना होता है। ये थी कल्याणी बुटी जी हमारे साथ, बहुत ही सारी, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस जो तजुर्बा बोलता है कुछ ऐसा ही आज यहाँ पे हुआ और हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे जानी। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी आपका कि आप हमारे इस स्पेशल वुमेंस डे वाली श्रृंखला में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे इस वुमेंस डे की इस श्रृंखला में फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।